हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो जैसा कि हम आपको सिलेबस समझा रहे थे, हमने इंग्लिश का भी सिलेबस समझा दिया और हमने कई सारे सब्जेक्ट के जो आपके प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के बीच हम हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यार हिंदी है, हिंदी भी, हिंदी सी, जिनके पास में इन तीनों में से कोई भी है तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सोल के हो, NCVIP के हो या रेगुलर से हो। अगर आप हमारे यारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि अभी हिंदी का खुला हुआ है, यानी हिंदी ए, इसका जो सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर है इकाई वन में आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास, यानी भाषा जो हिंदी भाषा है उनका विकास कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। दूसरा है हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास, ये भी आपका पहले चैप्टर से ही कहीं ना कहीं एक ऊपर आधुनिक के ऊपर है, जो आज के टाइम की जो भाषा है उसमें क्या महत्व है। और पिछला हिंदी भाषा का जो पिछले साल की हिंदी, मतलब पिछले वर्ष की हिंदी, आने वाले टाइम जैसे जैसे आ रहा है हिंदी का कैसे कैसे विकास हुआ है। तीसरा है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इन तीनों के रूप में हिंदी को हम किसके रूप स्वरूप में देखते हैं, तो इन तीनों के बारे में बताना है। दूसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है, आदिकाल, मध्यकाल के बारे में, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, ये तीन काल हिंदी के बताने हैं। कैसे कैसे इसका किस किस चरण में इनके विकास हुए आपको पूरा मिल जाएगा। और मध्यकालीन कविता है ये आपकी बुक के अंदर है, कबीर भूषण बिहारी की कविताएं हैं, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन रघुवर साहब, आधुनिक हिंदी कविता और मध्यकालीन हिंदी कविता। तो कुल मिला के हिंदी का में यही है। और अब देख लेते हैं हिंदी बी, यानी हिंदी खा, हिंदी बी है आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय, सेम उसी की तरह है जो पिछले हिंदी का में था। अभी कबीर, तुलसीदास, बिहारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, आधुनिक कविता, ये सारी कविताएं है आपकी। तो कुल मिला के का, खा और घा, घा जो है वो भी आपका खा के तहत जैसा, इसलिए मैंने उसे शेयर नहीं किया। पूरा सिलेबस खा जो गा वाला है, यानी हिंदी सी, और पूरा का पूरा हिंदी बी जैसा ही है, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लाया। तो कुल मिला के समझ लीजिए हिंदी ए और हिंदी बी और हिंदी सी तीनों एक ही है, सब चैप्टर्स और कविताओं का फ़र्क है और सिलेबस पूरा सेम है, ठीक है। और बाकी काफ़ी इजी पेपर है और आने वाले टाइम में मैं इनके क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।